हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से कैसे हम प्रूव करेंगे कॉन्टीन्यूअस फंक्शन को, और अगर हम लिमिट से हम बताएंगे कि कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कैसे होता है, या ग्राफ से हम देखेंगे कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कैसे होता है। सेकेंड थिंग, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या होंगे और उसकी कितनी टाइप्स होती है, डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या होता है। हमने लिमिट के बारे में पढ़ा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट्स इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जिस पॉइंट पर इक्वल आती है वो उस फंक्शन की लिमिट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और इक्वल आ जाए एफ ऑफ ए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ लिमिट एक्स टेंस टू, अगर मैं ए पर चेक कर रही हूँ, अगर मैं चेक कर रही हूँ एक्स टेंस टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आ जाए एफ ऑफ ए, यानी फंक्शन में अगर आप ए पुट करते हैं तो तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन को हम कॉन्टीन्यूअस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम डेफिनेशन बताते हैं तो हम यहाँ पे बताते हैं कि जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू ए पर डिफाइन होना चाहिए, और इसके नेबरहुड्स में भी फंक्शन डिफाइन करना चाहिए, यानी ए के नेबरहुड्स में फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, हमने लिमिट के डेफिनेशन में बताया था कि फंक्शन डिफाइंड इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। जब हमने लिमिट की डेफिनेशन किया तो हमने डिलीटेड नेबरहुड का यूज़ किया था। यहाँ पर अगर आप डिलीटेड नेबरहुड नहीं भी लिखते हैं तो भी सही रहेगा, क्योंकि ए पर भी फंक्शन हमारा डिफाइन होना चाहिए, तभी हम फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस कहते हैं। अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन किसकी, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की। ठीक है, कैसे हम बताते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से कि एक फंक्शन एफ आपको गिवन है, फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट ए। ए के नेबरहुड पॉइंट पर एफ फंक्शन डिफाइन होता है, यानी कि ए के आसपास के पॉइंट आप रखते हैं, पुट करते हैं फंक्शन में एक्स के प्लेस पर, तो वहाँ पर आपको इन्फिनिटी नहीं कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। क्लियर दैट? देन हम यहाँ पे बताते हैं, देन अ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स टेंस टू ए इफ फोर एप्सिलॉन पॉजिटिव देर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा पॉजिटिव जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है एप्सिलॉन पर, सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। जैसे हमने लिमिट की डेफिनेशन में किया था कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल, यहाँ पर एल होता है जो फंक्शन की, हमने कहा था कि एल फंक्शन की लिमिट होगी कब, जब एप्सिलॉन पॉजिटिव हमें गिवन हो और डेल्टा पॉजिटिव ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, है ना। तो यहाँ पे हमने एल दिया था। कॉन्टीन्यूअस फंक्शन जब हम बताएंगे तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए, कब, जब एक्स और ए का डिस्टेंस डेल्टा से लेस आता है। क्लियर दैट? तो ये डेफिनेशन, अगर मान लो कि बाय डेफिनेशन आपको बताना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है, बाय डेफिनेशन आपको प्रूव करना है, तो हम ये कंडीशन हम लेकर चलते हैं, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाता है, then we can say that f of x is not continuous at x equal to a. Understand? तो ये हमारे पास डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अगर बाय डेफिनेशन आपको प्रूव करना है कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है, तो हम ये कंडीशन लेकर चलते हैं और ये हम कंडीशन प्रूव करते हैं।
ओके, ये कंडीशन हम प्रूव करेंगे, ये कंडीशन हम लेकर जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, अ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस इज सेड टू डिसकॉन्टिन्यूस। फंक्शन इज सेड टू बी डिसकॉन्टिन्यूस इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस। जो कॉन्टिन्यूस नहीं है उस फंक्शन को हम डिसकॉन्टिन्यूस कहेंगे। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कब कब हो सकता है? देखिए, फर्स्ट हमने सबसे पहले बताया था कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ए के नेबरहुड्स में। अगर हम ए पर कॉन्टिन्यूस बता रहे हैं, डिसकॉन्टिन्यूस बता रहे हैं, सो पहला रीज़न जो होगा कि अगर फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर या एक्स इक्वल टू ए के नेबरहुड्स में अगर डिफाइन नहीं होता है तो वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट ए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये लेकर चलूँ, एफ ऑफ एक्स अगर मैं एक्स माइनस ए ले लेती हूँ, तो जब आप ए पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, सेकेंड क्या होता है भाई, सेकेंड हमने डेफिनेशन बताई थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के और इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए के। देन हमने कहा था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होने के लिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि एग्जिस्ट ही ना करे। या तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, या फिर दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, मतलब हमारी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओके, थर्ड कंडीशन हो सकती है डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होने के लिए कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, लेकिन वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आती है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई लेकिन इक्वल नहीं है एफ ओ फे के। इन तीनों केसेस में हम बताएंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर, तो यहाँ पर आप देखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट को भी आप दो टाइप से पढ़ेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ओ फे एक्स डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर फाइनाइटली आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होंगे आपस में, वैल्यू तो इनकी फाइनाइट आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की आ जाए मान लीजिए 1 और राइट हैंड लिमिट आ जाए -1, तो नॉट इक्वल है, राइट right? तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती है, समझ गए? तो अगर कहते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, इसका मतलब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होंगे बट उनकी वैल्यूज फाइनाइट आएंगी। ओके, अगर आपसे कहा जाए लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली अगर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दैट मीन्स आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट्स या फिर माइनस इन्फिनिटी, कुछ भी आ सकता है, टेंस टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, या दोनों की वैल्यू ही इन्फिनिटी आ सकती है, समझ गए? तो ये होता है कि जब लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करती तो दोनों जो लिमिट्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे बट वैल्यू उनकी फाइनाइट होगी, राइट? और डज नॉट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, दैट मीन्स लिमिट इन्फिनिटी, जो वैल्यू ही आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होगी उनमें से या तो एक या दोनों की इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आंसर आ सकता है। अब हम देखते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन 5 टाइप का होता है, 5 टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन विद एग्जाम्पल। चलिए देखिए, फर्स्ट हमारे पास रहेगी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज में से, फर्स्ट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नाम से ही पता चल रहा है कि आप इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हो, फंक्शन को कंटिन्यूस डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कैसे, सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है लेकिन इक्वल नहीं होती है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगी बट नॉट इक्वल टू
एफ ऑफ ए, समझ में आ गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करने का मतलब है कि फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, इनफाइनाइटली नहीं, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। और ये वैल्यू हमें क्या दे रही है, मान लीजिए एल दे रही है, बट एल इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, क्लियर। तब हम कहेंगे कि ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी है क्या है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। एग्जाम्पल अगर हम लेकर चलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी का, तो ये हम ले सकते हैं एफ ऑफ एक्स, मैंने लिया साइन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, कब, जब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू ए है, और अगर एक्स इक्वल टू ए है तो हम ले लेते हैं ज़ीरो, देखते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो जैसे ही आप लिमिट फाइंड आउट करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। अब मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ, आप चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिमिट सॉल्व कर लीजिए। एक्स माइनस ए को मैं ले लेती हूँ एच, अगर एक्स ए को टेन करता है तो यहाँ पे मैं ए पुट करूँगी, देन एच इज इक्वल टू ए माइनस ए ज़ीरो, यानी कि एच ज़ीरो को टेन करेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिमिट एक्स टेंस एच टेंस टू ज़ीरो, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, h पुट करना है, राइट। अब जैसे आप ज़ीरो पुट करेंगे ना, तो ये हमें क्या आंसर दे रहा है, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो साइन h, वैसे तो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ये वन होता है, ये वन कैसे आता है, आप यहाँ पे पुट करोगे साइन ज़ीरो ज़ीरो, h को ज़ीरो पुट करो, ज़ीरो बाय ज़ीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, जिसको आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा किससे, एल हॉस्पिटल, नाम सुना होगा ना आपने, एल हॉस्पिटल रूल। ये कब अप्लाई होता है, जब आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है, जैसे ज़ीरो बाय ज़ीरो, ज़ीरो बाय वन का हमें पता है क्या होता है, ज़ीरो बाय वन का आंसर ज़ीरो होता है, अगर वन बाय ज़ीरो करेंगे तो इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, राइट। तो यहाँ पर ज़ीरो बाय ज़ीरो आ जाएगा, तो दोनों में से कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम, इसलिए इसको कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। इसके लिए हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होता है, ये इसका मतलब होता है न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव करो, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव करो। तो इसको आप लिखोगे साइन एच का डेरिवेटिव होता है कॉस एच, और एच का डेरिवेटिव होता है वन। यहाँ पर यू बाय वी मैथड अप्लाई नहीं करना, डिफ्रेंशिएशन करना है बट एल हॉस्पिटल रूल से। ये कहता है कि न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करो, इसको भूल जाओ, और जब आप इसको इसका डेरिवेटिव करोगे तो न्यूमरेटर को भूल जाओ, तो ये आ जाएगा कॉस एच बाय। अब जरा पुट करो कॉस एच, एच के प्लेस पर ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो क्या होता है, वन होता है, इसलिए स्टैंडर्ड लिमिट ये वन आती है, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास वन। लेकिन एफ ऑफ ए क्या है यहाँ पे, बट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ए पर जो वैल्यू होती है वो एफ ऑफ ए होता है। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, देन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। और डिसकॉन्टिन्यूस कौन सा, अब लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई इसकी, लेकिन एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं है, दिस इज द रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। और रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी को आप चेंज कर सकते हो, यानी इस फंक्शन को अगर मैं रीडिफाइन कर दूँ, कैसे, साइन एक्स माइनस ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इफ एक्स नॉट इक्वल टू ए, और अगर एक्स इक्वल टू ए है तो इस फंक्शन की वैल्यू मैं ले लेती हूँ वन, देन फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ये होता है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या कंडीशन होती है वो हम समझते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करती हैं, दोनों की वैल्यू फाइनाइट आती है, समझ गए। दैट इज, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स
exists, दोनों exist करेंगी, but not equal to f of a. अब आप कहेंगे कि ये तो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में भी था. यहाँ पर अगर हम चेक करें तो देखिए रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में और इसमें क्या डिफरेंस है. देखिए दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है. यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट की अभी मैं डिफरेंस बताती हूँ आपको. यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, बट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो सकती है. ध्यान से देखिएगा डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें. लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए के इक्वल ना हो, राइट हैंड लिमिट इक्वल हो सकती है. सेकेंड केस में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो एफ ऑफ ए के, बट लेफ्ट हो सकती है, लेफ्ट इक्वल हो सकती है एफ ऑफ ए के. समझ गए. अब रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी में हमने क्या पढ़ा था, हमने वहाँ पे ये देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, बट ये इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए के. यहाँ पर हमने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए के. बाय द वे राइट हैंड लिमिट इक्वल हो सकती है, राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए के, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो सकती है एफ ऑफ ए के. जरा सा डिफरेंस है. अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल से देखते हैं. मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ. मोड ऑफ एक्स, ओनली मोड ऑफ एक्स भी ले सकते हो आप इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है. और अगर एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं जीरो, देन इसकी वैल्यू है वन. अब जरा हम चेक करते हैं कौन सी यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो. लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस मोड ऑफ एक्स बाय एक्स. जीरो से लेफ्ट के अगर आप पॉइंट पुट करते हैं तो मोड ऑफ एक्स क्या वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यूज देगा. समझ रहे हैं. तो मोड ऑफ एक्स का मतलब ही यही होता है कि इसका आंसर माइनस आएगा, माइनस एक्स होगा अगर एक्स लेस देन जीरो है, और एक्स होगा अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है. यानी पॉजिटिव होगा एक्स के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए. ओके. और अगर जीरो से लेफ्ट के पॉइंट आप नेगेटिव पॉइंट्स ले रहे हैं तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी माइनस एक्स आएगी. कैंसिल, दिस इज माइनस वन. राइट हैंड लिमिट सॉल्व कीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस मोड ऑफ एक्स बाय एक्स. जीरो प्लस यानी कि राइट के पॉइंट्स के लिए इसके पास वैल्यू है, मोड ऑफ एक्स बिकम्स एक्स, कैंसिल इज इक्वल टू वन. तो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन है, राइट हैंड लिमिट वन है. अब यहाँ पे आप देखिएगा एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ जीरो. एफ ऑफ ए का मतलब जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो. ओके. तो इधर अगर हम कंडीशन देखते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, बट एफ ऑफ जीरो इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एक के इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज एफ ऑफ जीरो के इक्वल नहीं आया. रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी में अगर हम देखते तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल मिलते. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इसकी वैल्यू वन है, इसकी वैल्यू वन है, और एफ ओफ ए की वैल्यू है माइनस वन, तो ये इस इन दो इसके इक्वल नहीं होता, एफ ओफ ए के इक्वल नहीं होता. और जो फर्स्ट काइंड डिस्कॉन्टिन्यूटी है इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ध्यान से समझना है. लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ जीरो के इक्वल ना हो, या फिर राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ जीरो या एफ ऑफ ए के इक्वल ना हो, तब होती है फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी. नेक्स्ट आपके पास है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड. सेकेंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, सिंपल अगर हम कहें आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट does not exist. या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे. दैट मीन्स या तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है या फिर इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, ओ एक प्लस आएगा,
या लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, डिफाइन नहीं कर सकती है। ओके तो ये हमारे पास है। एक मैंने एग्जांपल करवाया था इससे पहले ही जब हमने लिमिट का टॉपिक किया, और इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि लिमिट एक्स टेंस टू फंक्शन अगर मैं डिफाइन करूँ कुछ इस टाइप से, साइन ऑफ वन बाय एक्स वन एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो वन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, एंड दिस इज़ द डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, सॉल्यूशन देखना है तो इससे पहले वाली वीडियो ही जस्ट आपको देखनी है, प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कीजिए। ओके इसके बाद ये है थर्ड। फोर्थ हमारे पास आता है मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी, ओके मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या होगा, हमारे पास होती है दो साइड्स, लेफ्ट हैंड लिमिट हम देखते हैं, राइट हैंड लिमिट हम देखते हैं, इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए, तब हम कहते हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है। अब अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो क्या रहेगा, अगर डिसकॉन्टिन्यूटी मिक्स की हम बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपके पास आ जाए इन्फिनिटी, बट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए एफ ऑफ ए के। इसका मतलब वन साइड ऑफ ए लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ए के एक साइड में जो है वो लिमिट एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, सेकेंड काइंड में क्या था, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी होते हैं, प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड ऑन वन साइड ऑफ ए, ए के एक साइड में सेकेंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाए, मतलब कि इन्फिनिटी आ जाए। ओके एंड जो इसकी सेकेंड साइड है, यहाँ पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी आ सकता है राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, एग्जिस्ट तो कर जाए, इसकी वैल्यू तो फाइनाइट आ जाए, लेकिन एफ ऑफ ए के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। समझ में आया, बट अदर साइड इट मे बी कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस लिखने का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूस का मतलब है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए के आ जाए, तो राइट हैंड लिमिट अगर एफ ऑफ ए के आती है तो ये हमारी राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी होती है। समझ में आया, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, शायद मैंने बताया नहीं आपको स्टार्टिंग में, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए के आ जाए और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, और अगर राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए एफ ऑफ ए के तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी। समझ में आया, तो राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर ऐसे ही बोला गया है कि एक साइड तो आ जाए इन्फिनिटी यानी कि सेकेंड टाइप की कॉन्टिन्यूटी, और दूसरे साइड यानी कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ ए की इक्वल आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिसकॉन्टिन्यूस हो। अंडरस्टैंड, सेकेंड जो इसका डेफिनेशन आप बता सकते हो कि वन साइड तो है सेकेंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी और सेकेंड साइड राइट हैंड लिमिट के लिए ये फर्स्ट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी भी हो सकती है। अंडरस्टैंड, उसमें ये वाला केस आ जाएगा। ओके तो आप एक ही तरीके से देखो इसको कि एक दोनों में से एक लिमिट तो इन्फिनिटी हो, और मान लीजिए राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ओ फे की वैल्यू इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों के साथ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको तीन एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पर आपको देखते ही पता लगेगा कि डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, बहुत प्लस टू से आप ये क्वेश्चन करते आ रहे हो, तो इन क्वेश्चंस को आपको बताना है कि इनकी जो डिसकॉन्टिन्यूटी वो किस टाइप की है, और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तीनों क्वेश्चंस डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, बट इनकी टाइप्स क्या रहेंगी ये आप बताएंगे।
तो ये आज का टॉपिक हमारा था कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन. सभी टाइप्स हमने देखा, अच्छे से डेफिनेशन क्लियर करो. इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा. एंड जो भी BA BSc का स्टूडेंट है, कंप्लीट सिलेबस करने के लिए आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, न्यू एरा मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर. बाय, टेक केयर.